क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग आंसर्स देख रहे हैं, चेक करते हैं। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील हुज डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर। मैं हमेशा इस लॉजिक पर काम करूंगी कि सेव टाइम सेव एनर्जी, है ना। आप सब लोगों ने यहाँ पर जितने भी जन बैठे हैं उन सब ने यहाँ पर लिखा सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, 2π की जगह 22/7 और रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर और यहाँ पर लिखा 21/2। उसके बाद आप लोगों ने काटा पीटी और ये और वो सब कुछ चालू किया, ठीक है। ये 2 और 2 कट हो गया, 7 3 21 हो गया, इट इज 66 यूनिट सेंटीमीटर दे रखी है, इट इज 66 सेंटीमीटर। इतना भी टाइम क्यों वेस्ट करना, इनकेस यहाँ पे अगर इजी कट नहीं हो रहा होता, डेसिमल में होता तो हमारा टाइम और जाता। क्या करना है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, 2 इंटू आर इज क्या है डायमीटर, डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, तो पाई की जगह 22/7 और 2r की जगह डायमीटर जो कि हमें दे रखा है 21, डायरेक्ट 7 3 21 आंसर आ गया 66 सेंटीमीटर। टाइम बचा, उतनी देर अपने को कैलकुलेशन के लिए जो जा रही है वो हमारी सेव हो जाती है। तो फर्स्ट आंसर है 66 सेंटीमीटर। सेकंड वन इज इफ डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर क्लॉक, तो सर्कल का पहले आधा करिए, सेमी सर्कुलर ड्रॉ करिए। इस सेमी सर्कुलर प्लॉट का हमें डायमीटर दे रखा है 14 मीटर। अब वहां पर यूज है कि फाइंड द पेरीमीटर। सर्कल का कभी पेरीमीटर नहीं होता, सर्कल का क्या फाइंड करते हैं, सर्कमफेरेंस। तो सेमी सर्कल का भी क्या फाइंड करेंगे, सर्कमफेरेंस। लेकिन उन्होंने वर्ड क्या दिया, पेरीमीटर। दिमाग लगाइए, ये वाला जो पार्ट है दिस इज हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यानी हमारे पास बचा पाई आर प्लस साथ में कौन बचा, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन को हम लोग नाम देंगे डायमीटर। तो हमारे पास हुआ हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल प्लस इट्स डायमीटर, तो 22/7 आर की वैल्यू 14/2 यानी कि 7 एक ब्रैकेट में करिए प्लस डायमीटर इज 14, तो 22 + 14 = 36 यूनिट है मीटर, तो आंसर इज 36 मीटर। जिन जिन लोगों ने 22 करके छोड़ दिया है वो सिर्फ अपना चेक करिए कि ये पेरीमीटर है, तो अपने को ये वाले सर्कमफेरेंस के साथ ये वाला पेरीमीटर और एड ऑन करना पड़ेगा, तो इट इज 22 + 14 = 36। नेक्स्ट, अ व्हील हैज डायमीटर ऑफ 84 सेंटीमीटर, फाइंड हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन मस्ट इट टेक टू कवर 792 मीटर्स। अब एक व्हील है, उसे कुछ डिस्टेंस कवर करना है, मतलब उस व्हील को गोल घूमते 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 792 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़े, तो एक बार में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो जो भी उसका बाहर का पार्ट है यानी उसका सर्कमफेरेंस है उतना वो एक बार में कवर करेगा, फिर राउंड करके दूसरा, फिर राउंड करके तीसरा। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, दैट इज इक्वल टू 2πr, अगेन 2 × r इज इक्वल टू डायमीटर, तो जब डायमीटर दे रखा है तो 2r की जगह हम डायमीटर डायरेक्ट लिख देंगे, इट इज 84 इतना सेंटीमीटर उन्होंने वर्ड यूज किया है, मल्टीप्लाइड बाय पाई इज 22/7, 7 × 7 एक बचा 12, 12 × 24, 12 × 24 = 26, तो सर्कमफेरेंस इज 264 सेंटीमीटर। अब इसको हमें गोल 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 करके घुमाना है, कितना घुमाना है, 792 मीटर, तो जब आप देखेंगे तो ये 792 मीटर है और नीचे वाला 264 सेंटीमीटर है,
तो किसी भी एक चीज को चेंज कर दो, हमने मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो भी डिवाइड बाय 100 होगा, वो 100 ऊपर ही जाने वाला है। एक ही बात है, इसकी काटा पीटी करो, कराई किसी ने? 6 7 2 9 18 6 12 00 आंसर है क्या? 300। आंसर है 300। ओके 132 थ्री का और उसके बाद 20, तो इट इज 300 रेवोल्यूशन। ठीक, ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए, जिसका भी इनकम्प्लीट है करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, बसंती एज अ कार हुज व्हील्स आर मेकिंग 4 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, इफ डायमीटर ऑफ द व्हील इज 77 सेंटीमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। अब अगर हम स्पीड की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल, अब टाइम उन्होंने पर सेकंड के हिसाब से दे रखा है, भले ही हमें बोला है किलोमीटर पर आवर में ढूंढिए, वो अपन बाद में करते हैं, पर सेकंड तो बोले यहाँ पर कितना बचा, 1 सेकंड, तो टाइम तो 1 सेकंड हो गया। अब हमें चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना लेंगे, डिस्टेंस उसका सर्कमफ्रेंस यानी कि 2πr, अगेन 2 × r, डायमीटर, डायमीटर दे रखा है 77 इंटू 22/7। आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग रेडियस को मतलब डायमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं, कई जनों ने 77/2 ले लिया, कई जनों ने 77/2 को डिवाइड कर दिया, डेसिमल में कर लिया, फिर वापस डेसिमल को सॉल्व किया, तो हम टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। जितना हो सके उतना टाइम सेव करिए, इससे और हार्डर क्वेश्चन हमारे पास है करने के लिए। तो 2r की जगह डायमीटर 22/7 हमने यहाँ पर कट कर दिया, इट इज 11 × 22 और 24 मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इट इज 242 सेंटीमीटर। ऐसा उसने 4 रेवोल्यूशन किए, तो 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस है 242 सेंटीमीटर, तो 4 रेवोल्यूशन का कितना होगा, इट इज 4 × 242 सेंटीमीटर। इच्छा है तो मल्टीप्लाई करिए, नहीं है ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अब हमें करना है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है, तो इट इज 4 × 242 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 100 और मीटर को किलोमीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 1000, हम इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, तो सेंटीमीटर से मीटर और मीटर से किलोमीटर, तो ये पूरा अब चेंज हो गया इनटू किलोमीटर। अब हमारे पास में यहाँ पर बचा हुआ है 1, टाइम कितना था 1 सेकेंड, तो सेकेंड से मिनट में जाने के लिए 60 और मिनट से आर में जाने के लिए एक और बार 60। कुछ भी मैं कैलकुलेट नहीं कर रही, मैंने सिंपल ऐसा का ऐसा ही लिख रखा है। अब ये 60 × 60 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो हमारे पास बचा 4 × 242 × 60 × 60 upon 100 × 1000, 10 10 10 10। अब आपके पास बचा 4 मल्टीप्लाइड बाई ये मल्टीप्लाइड बाय 36, जो भी आपको मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड बाय 1000, आंसर जो भी आ रहा है देख लेते हैं कैलकुलेट करके। इस पूरे का कैलकुलेशन हमारे पास में आया 3 4 8 4 8 और डिवाइड बाय ये वाला हमारा 1000। अब इसको डिवाइड करने में बैठ जाना, 3 जीरो है पीछे से, 3 के बाद में डेसिमल लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा 34.848 किलोमीटर पर आवर, दिस इज योर स्पीड। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा कि भाई सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पेरिमीटर ऑफ द स्क्वायर। मैं अलग अलग नहीं ढूंढूंगी, वो मेरी आदत में नहीं है और ना मैं चाहूंगी कि आप लोग भी इतना कॉम्प्लिकेशन करें।
डायरेक्ट लिखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर और पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 ए. ए हमें ढूंढना है, इट इज 2 पाई आर अपॉन 4. ये भी आपका कट हो जाएगा. अब पाई की जगह 22/7 रेडियस कितना है 2.8 सेंटीमीटर. यहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर, ये वाला 2 आपके पास में यहाँ पर प्रेजेंट है. डेसिमल हटाइए, 2 लिखिए, 10 लिखिए, 7 4 सा 28, 2 सा 4. अब जितने जन इंटेलिजेंट है वो 2 5 सा 10 करेंगे. जो मेरी तरह है वो लोग क्या करेंगे, 44 अपॉन 10 और उसका डेसिमल लगा दीजिए, इट इज 4.4 सेंटीमीटर.